by DesireMovies.live. कि तुम अकेले यहां तक चले आओगे। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? कामयाबी बलिदान मांगती है, सही कहा ना? कौन हो तुम? बूढ़े भेड़िए का सताया हुआ छोटा भेड़िया। देखो कितने साल गुजर गए, आपने कैसे बिताए। हर रात मुझे वही डरावना सपना आता है। और आपको? फिक्र मत करो, तुम अब तक लैंगचैंग में क्यों? हर कोई सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहा है। शिपमेंट का क्या हुआ ये बताओ। पुलिस की वजह से शिपमेंट मुझे टाइम पर नहीं मिला। पुलिस को इंफॉर्मेशन मैंने दी थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे पकड़वा देते पर तुमने मेरी बीवी को पुलिस के हवाले कर दिया। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, इसलिए तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकता था। ये ठीक नहीं किया, मेरी बेटी सिर्फ 6 साल की है, वो अपनी माँ के बिना कैसे रह पाएगी? तुम्हारी पत्नी और फेफे एक साथ रह सकते हैं या फिर तुम्हारी पत्नी अकेली, फैसला तुम करो। बॉस, आपका बेटा और फाई फाई खतरे में है। चलो
बेटी की क्षमता अजीब है। उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि उसके आसपास के सभी लोग कमजोर पड़ जाएंगे। वो बहुत खतरनाक है। तुम्हारी पत्नी बच्चे को जन्म देते ही मर गई और तब से तुम्हारी जिंदगी में हर चीज उल्टी होती चली गई। ये सब तुम्हारे बेटे का प्रभाव है। इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है और तुम्हारी किस्मत है तुम्हारा बेटा। वो सिर फिरा है। कामयाबी बलिदान मांगती है। तुम अगले जन्म में दोबारा मेरे पास बताना। बहुत खूब, तुम बहुत जिद्दी हो। अब तक जिंदा कैसे हो? तुमने खुद अपने बेटे को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? अगर मैं जालिम ना होता तो क्या तुम इतने मजबूत हो पाते? मैंने खुद को काबिल बनाया क्योंकि मैं जानता था ये दिन जरूर आएगा। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। सोचा था उससे पहले ही मुलाकात हो गई आपसे। मैंने 15 साल अनजानों की तरह गुजारे हैं, अपने सारे दुश्मनों को नजरअंदाज करके, पर अपने परिवार की किस्मत को नजरअंदाज नहीं कर पाया। अब जबकि किस्मत तुम्हें दोबारा मेरे पास ले आई है तो फिर देखते हैं तुम वाकई कितने काबिल हो। बेटे, आज इस बूढ़े को यह साबित कर दो कि तुम वाकई गोली से भी तेज हो। तुम भी गद्दारी करोगे? मैंने बॉडीगार्ड कंपनी शुरू करने में आपकी मदद इसलिए ली क्योंकि मैं आयन की टेक्निक को फैलाना चाहता था। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं ली कि एक दिन आपका गुंडा बनकर रह जाऊं। आज तक मैंने आपकी बातें बस इसलिए मानी ताकि आपके एक दिन खिलाए खाने का कर्ज उतार सकूं, पर वो उस दिन उतर गया जिस दिन आपने मुझसे मेरे भाई को जिंदा दफन करवाया। सारी जिंदगी में 108 किक्स की टेक्निक को जानने के लिए तरसता रहा। भाई, आज वो दिन आ गया है जब तुम मुझे 108 किक की टेक्निक बताओगे। बुलिन, संभल कर। Yeah.
मैंने हमेशा सोचा कि मेरी जिंदगी सबसे बुरी है, जबकि आज मुझे पता चला तुम्हारी जिंदगी मुझसे कहीं ज्यादा बुरी है। मेरे भाई, मैं तो नहीं बचने वाला, पर तुम्हें जीना होगा आयन किक के लिए। इस दुनिया में वही टिक सकता है जो ताकतवर है, और तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो कोई हमें मिटा नहीं सकता। ज्यादा होशियार, जब तुम पैदा हुए तुम्हारी मां चल बसी, फिर तुम्हारे मास्टर, तुम्हारा भाई, और अब मेरी बारी है। 15 सालों तक मैं छुपा रहा, फिर भी तुमसे नहीं बच पाया। तुम्हारे जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आगे बढ़ो, मार डालो मुझे। मेरा जो कुछ भी है अब तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम जैसा इंसान नहीं बनना चाहता हूं। मैं अपनी किस्मत से बच नहीं सका, वही हाल तुम्हारा भी होगा। एक दिन देखना, तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। पापा, अब मैं जा रही हूं। इतने साल मैं डर में जीती रही क्योंकि मैं ना समझ थी। अब मैं समझदार हो गई हूं और अपना ख्याल भी रख सकती हूं। पिताजी, मैं आप जैसा नहीं बनूंगा। आपने इस दुनिया में सिर्फ अंधेरा देखा है, लेकिन मुझे रोशनी नजर आती है, उम्मीद नजर आती है।